हेलो ब्रिवान, नमस्ते, प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल नीलम आना ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और बज रहे हैं शाम के 4 और मैं बनाने जा रही हूँ अब चाय। ये आ गई मैं अपने किचन में और आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चाय बन रहा है। और इसमें मैं डालूँगी अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची, तुलसी का पत्ता, क्योंकि जैसे मुझे थोड़ी बहुत लग रही है जैसे सर्दी हुई है, तो इसी वजह से मैं बना रही हूँ। बच्चे भी आज घर पे हैं, मैं ज़्यादा चाय तो पीती नहीं हूँ। अदरक को मैं भून के अच्छे से डालूंगी ताकि अच्छे से इसमें मिल जाए। ये रहा मेरा खुना हुआ अदरक, काली मिर्च भी, और ये तुलसी का पत्ता भी डालूंगी। अब ये बनेगा खूब अच्छा वाला काली चाय। गर्म है बच्चे तो बोलेंगे मम्मी तीखा है, तीखा है, लेकिन सर्दी में बहुत फायदेमंद है। आप लोगों को तो पता ही है कि कोरोना काल में बाबा रामदेव जी यही बताते थे कि काढ़ा बना के पियो, कोरोना से बचना है तो काढ़ा बना के पियो। वो भी क्या क्या बताते थे? अदरक, लौंग, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी, तेज पत्ता, मतलब ये सब जितने वैसी चीजें हैं ये सब काढ़ा बना के इसको पियो। और दवाई तो बहुत दिन के बाद आया है जाके, कितने लोग जब स्वर्ग सिधार गए है ना। कितना भयंकर बीमारी वो भी था एक टाइम, पूरा भारत बंद, भारत बंद भैया। अभी मेरी चाय बन चुकी है, मैं इसको छानूंगी। फाइनली मेरी चाय बन चुकी है तो मैं इसको छान लेती हूँ। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि आज मैं पहली बार एक पार्सल मंगाई हूँ। हालांकि कपड़े वगैरह तो मैं मंगाती रहती हूँ, लेकिन जो आज आया है वो मैं पहली बार मंगाई हूँ। तो मैं, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तब तक मेरा चाय ठंडा होगा। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीती भैया मैं, हल्का फुल्का ठंडा हो जाएगा। चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि आज मेरे पार्सल में क्या आया है। ठीक है, ये रही मेरी चाय। तो ये है मेरा छोटा सा पार्सल, बहुत बड़ा नहीं है। वैसे मैं कपड़े वगैरह तो मंगाती रहती हूँ, लेकिन ये पहली बार मंगाई हूँ। तो चलिए मैं इसको अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या है। जितना बड़ा चीज़ नहीं है, इतने अच्छे से तो इसको इतना बड़ा पैक दिया है इसमें, देखो ना। हे गाइस, तो मैं इसको कर रही हूँ अनबॉक्सिंग और इसमें देखती हूँ कि कैसा आया है मेरा। ये है कान का, इसमें का सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ना, ये मैं देखी थी उसमें, नाक का नोज पिन, नोज पिन ये देखिए, मुझे बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने किया था। और ये है इसमें अंगूठी भी, अंगूठी इसके सेट का। ये है मेरा नौलखा हार, देखो अब इसके साथ अंगूठी भी दिया, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है हार, हार
ये रहा मेरा हार। अभी ये इयर वाली निकालती हूँ। इयर रिंग्स टफ्स है, इयर रिंग्स में ऐसे नहीं है, टफ्स टाइप में है। लेकिन ये देखने में लग रहा कि मुझे लग रहा था कि भारी में आएगा, लेकिन बहुत हल्का है, बिल्कुल भी पता नहीं। तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। पहली बार मैंने ये सब ज्वेलरी मतलब इससे ये वाला लिया, नहीं तो इसके पहले मैं नहीं मंगाई थी ये सब कभी भी। वैसे देखिए मैं कान में पहन ली दोनों कान वाला। अब ये रहा अंगूठी, ठीक। और नोज पिन, ये ऐसा नोज पिन है ना, ये नोज पिन, ये ऐसा नोज पिन है ना कि इसमें नाक छिदवाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये ऐसे इसको दबा दो, बन गया। और ये रहा मेरा हार। अगर इसको मैं पहन के चली जाऊं घर तो हमारी दादी वादी बोलेंगी, अरे बच्चा ये का पहन ले लो, तो अरे बाय नहीं ये कुल कहाँ से ले लियो है, ठीक है। तो देखिए कैसा लग रहा है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। बाय बाय।